नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। थपकी के लिए फिर खड़ा हुआ पूरब। अपनी माँ वीणा देवी को दो टूक में समझा दिया कि ये घर जितना मेरा है उतना ही थपकी का भी है। मिल यहाँ पर आपको बता दें कि हंसिका को लेकर बातें होती हैं और कहा जाता है कि वीणा देवी को कि थपकी कैसी लड़की है कि अपने ही पति के मंगेतर को लेकर आई है यहाँ। जिसके बाद पूरब की माँ का पारा बहुत हाई हो जाता है, यानी कि वीणा देवी काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं और वो थपकी को खींच कर लाती हैं और काफ़ी उल्टा सीधा बोलती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंसिका को यहाँ लाने की। वो साफ साफ कहती है कि ये घर तुम्हारा नहीं, भले ही मेरे बेटे ने तुमसे शादी की हो। तो बस यहाँ पर आ जाता है पूरब और पूरब काफ़ी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये घर तो आप ही का तो है और हम सब आपके ग़ुलाम हैं। और वो कहता है कि माँ, ये मत भूलिए कि ये घर जितना मेरा है उतना ही थपकी का भी है। इसके बाद वीणा देवी शॉक्ड हो जाती है, तो वहीं पर थपकी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। आपको बता दें, थपकी और पूरब के बीच अब आ चुकी है हंसिका और हंसिका 21 दिन के अंदर थपकी को आउट करने की बात कर रही है। आपको बता दें, जो हंसिका है वो लगातार पूरब के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, तो वहीं पर थपकी इसे हमेशा ही ठीक करने की कोशिश करती है। वो हमेशा ही पूरब को सपोर्ट करती नजर आती है और पूरब के बारे में काफ़ी अच्छा सोचती है, क्योंकि वो पूरब से बेहद प्यार करती है। तो वहीं पर हंसिका जो है वो अब आ गई है और अब उसने कह दिया है कि वो थपकी को बाहर निकाल कर रहेगी और वो और पूरब साथ रहेंगे। तो भाई यहाँ पर अब थपकी कैसे बचाएगी अपने प्यार को, ये देखना अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर थपकी के लिए पूरब का एक और स्टैंड काफ़ी शानदार रहा, जिसे देख कर थपकी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।